अभियान पर आज पूरे तमाम बिहार के सभी प्रखंडों में कांग्रेसी कार्यकर्ता थाली पीट कर मोदी सरकार को जगा रहे हैं। पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती महंगाई के खिलाफ जनता आक्रोशित है, परेशान है। कांग्रेसी कार्यकर्ता जनता के साथ है, सरकार को सावधान कर रही है कि इस तरह से अगर महंगाई बढ़ते रही तो जनता सड़क पर उतरेगी। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। जय कांग्रेस, जय भारत। दिनांक 7/7/2021 को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज प्रखंड स्तर पर हम सभी पंचायत के सभी पंचायत अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, सभी कमेटी के लोग जिला कमेटी के निर्देशानुसार आज गरीब और सभी किसानों के साथ जो मोदी सरकार के द्वारा यह महंगाई जो है चरम सीमा पर चढ़ रहा है, इसके विरोध में हम लोग थारी पीट पीट कर और लोगों को, गरीब और चाहे जो भी किसान हो, सबको संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जो है पेट्रोल और डीजल का रेट जो है मूल्य जो है इसको कम किया जाए। इसी कार्य के लिए हम अपने बात को समाप्त करें। आज दिनांक 7/7/2021 को राज्य कांग्रेस कमेटी के द्वारा आह्वान पर हम लोग सभी कांग्रेसी जो प्रखंड काशीचक प्रखंड कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना का जो आयोजन किया गया है, इसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राजीव गांधी जी एवं हमारे बीच प्रियंका गांधी जी, ये जो देश में घूम घूम कर महंगाई के प्रति जनता को सजग कर रहे हैं, उन्हीं जनता के सजगता के लिए हम कांग्रेसी गण जो आज डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम प्रत्येक दिन बढ़ते जा रहा है, साथ ही साथ खाद्य पदार्थ जो कड़ुआ तेल है वो आज इतनी कीमत हो गई है कि दबे कुचले लोगों को कड़ुआ तेल खाना नसीब नहीं हो रहा है, एवं हम किसान भाइयों का खाद का बोरा जो 5 kg कम करके और उसकी कीमत बढ़ा दी गई है, इन सभी मुद्दों पर हम कांग्रेस कमेटी काशी चक के द्वारा सकल देव जी के नेतृत्व में यहाँ एक थाली पीटने का और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कि ताकि केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार जनता के लिए, ये भाजपा की सरकार जो सेठ महाजनों की सरकार है, दबे कुचलों की सरकार नहीं है, और दबे कुचले लोगों को मोदी सरकार और दबाते जा रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।